हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है डे 6 ऑफ 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, और ये सारी स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। आज बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिसीजन मेकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। देखिए, नाम से ही क्लियर है, डिसीजन लेना। मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने के लिए अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन लेने के लिए मुझे कुछ कंडीशन की ज़रूरत होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो मैं उस कोड को रन करने का डिसीजन लूँगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रन नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन को चेक करना डिसीजन मेकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि कंडीशन चेकिंग इज़ द बैकबोन ऑफ डिसीजन मेकिंग। बात करते हैं पहली कंडीशनल स्टेटमेंट की, द इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन। जब हमें एक पर्टिकुलर सिंगल कंडीशन को चेक करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट को। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तभी हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ब्लॉक ऑफ कोड बेसिकली होता क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है एक से ज़्यादा लिखी हुई स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक। तो जो ब्लॉक इफ स्टेटमेंट के अंडर होता है उसे हम बोलते हैं इफ ब्लॉक। अब बात करते हैं कंडीशन क्या होती है। जो कंडीशन इफ स्टेटमेंट के साथ आएगी वो होता है कोई वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड से। सो जब भी हम किसी लॉजिकल ऑपरेशंस को इवेल्यूएट करते हैं तो उसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ये क्या होती है? बुलियन वैल्यू होती है। तो अगर हमारा एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तो हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है कि आपको एग्जैक्टली इफ स्टेटमेंट की वर्किंग समझा सकूँ। तो देखते हैं, यहाँ पे है कंडीशन, ये हमारी इफ की कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो इफ ब्लॉक के अंडर लिखी होती हैं। और अगर हमारी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है तो हम रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, हम इफ ब्लॉक के अंदर लिखी स्टेटमेंट्स को बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट के साथ। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है, जैसे कि इफ, उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद यहाँ पे कॉलन, एंड देन नीचे आएंगी स्टेटमेंट्स जो कि इफ ब्लॉक के अंदर वाली स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल वन के साथ। यहाँ पे देखिए, एक नम वेरिएबल है इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट ब्रैकेट में एंटर द नंबर। इनपुट फंक्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। कंसोल से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनपुट को लेने के बाद इंट लिखा है बाहर। इसका मतलब क्या है, जो भी इनपुट यूज़र कीबोर्ड से एंटर करता है वो होता है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, लेकिन मुझको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए मैंने बाहर लिख दिया इंट। अब नेक्स्ट क्या है, इफ। If num remainder 2, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। जब हम दो ऑपरेंड को डिवाइड करते हैं तो इस ऑपरेटर की हेल्प से हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है if num remainder 2 is equal to 0, देन क्या होगा, प्रिंट कर दो नंबर इज इवन। मतलब अगर हमारा जो नम में वैल्यू है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है और रिमाइंडर 0 आता है, तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज़ इवन। एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे एंटर द नंबर जब स्क्रीन पे प्रिंट हुआ और यूज़र ने एंटर किया 10,
तो 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर आता है 0। इसीलिए स्क्रीन पे आ गया है नंबर इज इवन। अगर मान लो यूज़र एंटर करता यहाँ पे नंबर 7, तो क्या होता, इफ़ की जो कंडीशन है वो हो जाती फॉल्स, क्योंकि 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और क्या हो जाएगा, ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उस केस में एंटर द नंबर 7 के बाद हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है वो एग्जिट कर जाएगा, कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। 3 नंबर में से कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर है उसको प्रिंट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल है ए, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी इनपुट आ रहा है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। सिमिलरली बी के साथ भी एंड सी के साथ भी। तो हमने इस तरीके से 3 नंबर यूज़र से एंटर करवा लिए। अब यहाँ पे लगाइए हमने इफ स्टेटमेंट। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी कॉलन प्रिंट ए इज लार्जेस्ट। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इंडिविजुअली ट्रू होंगे तभी ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू माना जाएगा। तो देखते हैं वैल्यूज के साथ। सपोज यूजर ने एंटर करी है ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 120 एंड सी की वैल्यू 130। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी मतलब 100 इज ग्रेटर देन 120 एंड 100 इज ग्रेटर देन 130। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इंडिविजुअली ट्रू है तभी ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो देखिए 100 इज ग्रेटर देन 120 ये क्या हो गई फॉल्स, एंड 100 इज ग्रेटर देन 130 ये भी क्या हो गई फॉल्स। इट मीन्स ये पूरी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो स्क्रीन पे ये प्रिंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एक और इफ स्टेटमेंट है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन क्या प्रिंट करना है, बी इज द लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं बी, बी क्या है 120 है, 120 इज ग्रेटर देन ए मतलब 100 एंड 120 इज ग्रेटर देन 130। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हमारे ट्रू हो गई लेकिन सेकंड वाली हो गई फॉल्स। तो अब अगर यहाँ पे दोनों ही ट्रू होती है तभी ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। तो यहाँ पे ये वाली भी प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट की। यहाँ पे क्या है, इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट होगा सी इज लार्जेस्ट। तो अब देखते हैं इस वाली स्टेटमेंट को। यहाँ पे क्या है, सी, सी मतलब 130, 130 इज ग्रेटर देन 100 एंड 130 इज ग्रेटर देन 120। तो ये दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो गए हैं, ट्रू हो गए हैं। इट मीन्स ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, सी इज लार्जेस्ट। तो इसीलिए हमारी आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ गया है, सी इज लार्जेस्ट। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट की, द इफ एल स्टेटमेंट। द इफ एल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन एल्स ब्लॉक कंबाइंड विद द इफ स्टेटमेंट व्हिच इज एग्जीक्यूटेड इन द फॉल्स केस ऑफ द कंडीशन। इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, अगर कंडीशन ट्रू है तभी जो इफ ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर रहा था बिना कुछ एग्जीक्यूट करे। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें
एक और टाइप ऑफ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हम इफ ब्लॉक में रखी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में आ जाएंगे और एल्स ब्लॉक में रखी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अब समझते हैं इसी बात को विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन है, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो हम आ जाएंगे इफ की बॉडी में, और उसके बाद जो बाकी प्रोग्राम है वो वैसे रन हो जाएगा। अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम आ जाएंगे एल्स की बॉडी में, और एल्स की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, जो बाकी की प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। सो द सिंटेक्स ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, यहाँ पे है इफ कंडीशन कॉलन, और यहाँ पे है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब इफ ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट्स, फिर है एल्स कॉलन अनदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अब यह है एल्स ब्लॉक, मतलब एल्स के अंडर लिखी हुई स्टेटमेंट्स। तो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नोट, ये एक प्रोग्राम है जो ये बता रहा है कि कोई पर्सन है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है एज, एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज, मतलब इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर अपनी एज को एंटर करेगा और उस एज को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। उसके बाद इफ में लगी है कंडीशन एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कॉलन, मतलब अगर जो एज है उसकी जो वैल्यू है एज की वो अगर 18 से बड़ी है या इक्वल है तो हम वोट दे सकते हैं, अदरवाइज हम वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर मान लो एज की वैल्यू छोटी है 18 से तो क्या हो जाएगा, हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट सॉरी यू हैव टू वेट, सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपकी एज क्या है, छोटी है। तो आउटपुट देखते हैं, मान लो एंटर योर एज के बाद यूज़र ने एंटर किया 90, मतलब यूज़र की एज 90 है, तो क्या होगा, 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हम आ जाएंगे इस वाली स्टेटमेंट पे और हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट की, द एलिफ स्टेटमेंट। द एलिफ स्टेटमेंट इनेबल्स अस टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रू कंडीशन अमंग देम। अभी तक हम एक या दो कंडीशंस को चेक करने के बाद उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करते हैं जौन सी कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन एलिफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक बारी में मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, और जिस भी कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम में कितने भी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट हो सकती है डिपेंड करता है प्रोग्राम की नीड क्या है। बेसिकली एलिफ स्टेटमेंट एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होती है जिसे हम अपने प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो एलिफ स्टेटमेंट एक तरीके से इफ एल्स इफ लेडर की तरह काम करती है, जैसे एक सीढ़ी होती है ना, इफ एल्स इफ, कभी इफ आ रहा है फिर एल्स फिर इफ, इस तरीके से एक सीढ़ी की तरह काम करती है। जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो हमेशा इफ स्टेटमेंट के साथ ही होती है। अब समझते हैं एलिफ स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इफ कंडीशन चेक होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हम आ जाएंगे बॉडी ऑफ इफ में, बट अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आ जाएंगे एलिफ कंडीशन में, और अगर हमारी एलिफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम आ जाएंगे बॉडी ऑफ एलिफ में। यहाँ पे मैंने एक ही एलिफ कंडीशन लगाई है, इसके बाद और भी एलिफ कंडीशन हो सकती है, बट अगर मान लो हमारी इफ कंडीशन भी फॉल्स हो गई और एलिफ कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो अंत में एंड में हम आएंगे एल्स कंडीशन पे। जब हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम अंत में आएंगे एल्स कंडीशन पे, और फिर हम एल्स कंडीशन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की।
स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स के साथ। द सिंटेक्स ऑफ द एलिफ स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। पहला है इफ स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन वन कॉलन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। फिर है एलिफ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, देन एलिफ एक्सप्रेशन थ्री कॉलन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और एंड में आएगा एल्स, एल्स कॉलन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया है नंबर इज इक्वल टू इंट, इनपुट एंटर द नंबर। मतलब यहाँ पे यूजर नंबर को एंटर करेगा और उस नंबर की वैल्यू मैंने नंबर नाम की वेरिएबल में असाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट पे जाएंगे, चेक करेंगे इफ नंबर इज इक्वल टू 10। ये इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है या फिर रिलेशनल ऑपरेटर है। इससे क्या होता है, दो ऑपरेंड के बीच की वैल्यू कंपेयर होती है, तो इसे बोलते हैं इक्वल टू, लेकिन लिखते हैं इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर हमारा जो नंबर में वैल्यू है वो अगर 10 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम नीचे आ जाएंगे, एलिफ नंबर इज इक्वल टू 50। अगर वो नंबर 50 के इक्वल है तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 50। अगर वो नंबर 100 के इक्वल है तो हम और नीचे आ जाएंगे और यहाँ प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 100। बट मान लो ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और अगर हमारा कुछ भी ट्रू नहीं हो रहा है तो हम आ जाएंगे एल्स कंडीशन पे और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नॉट इक्वल टू 50, 10 और 100। तो देखो आउटपुट में क्या हुआ, यूजर ने एंटर किया 15 नंबर, ठीक है, तो इस नंबर में 15 वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब 15 इज इक्वल टू 10, ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, इट मीन्स ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर हम नीचे आ जाएंगे एलिफ स्टेटमेंट पे, नंबर इज इक्वल टू 50, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो हम और नीचे आ जाएंगे एलिफ नंबर इज इक्वल टू 100, तो 15 इज नॉट इक्वल टू 100, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स, इट मीन्स हमारी ये स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं हो जाएगी। इट मीन्स सारी की सारी कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम आ जाएंगे एल्स स्टेटमेंट पे और इसके अंडर लिखा हुआ है नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी आउटपुट स्क्रीन पे एज अ रिजल्ट प्रिंट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं पाइथन लूप्स के कंसेप्ट को। बाय डिफॉल्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम का फ्लो सिक्वेंशियल होता है, लेकिन कई बार हमें कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना होता है अपने प्रोग्राम में। तो उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए पाइथन लैंग्वेज हमें कुछ लूप्स प्रोवाइड करता है। हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल होते हैं। लूप से बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है अपने प्रोग्राम में तो उसको बार बार लिखने की बजाय अगर मैं लूप का इस्तेमाल करती हूँ तो इससे क्या होता है, मेरा टाइम बचता है और साथ में मेरे प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लूप्स। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस की लूप्स की। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजिबिलिटी। मतलब अगर मैंने एक बार प्रोग्राम में कहीं पर भी लूप का इस्तेमाल कर लिया तो मैं दोबारा किसी और जगह भी उस लूप का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मतलब एक बार मैंने कोड लिख दिया लूप का तो मैं उसे बार बार रीयूज़ कर सकती हूँ। इसे कहते हैं कोड की रीयूजिबिलिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट है यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। मतलब अगर हमने लूप का इस्तेमाल करा है तो इट मीन्स हमको किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मुझे कोई स्टेटमेंट है माई नेम इज़ प्रिया, तो उस स्टेटमेंट को मुझे 10 बार रिपीट करना है, तो उस स्टेटमेंट को 10 बार रिपीट ना करके अगर मैं कोई लूप लगा देती हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा। लास्ट एडवांटेज होती है यूजिंग लूप्स वी कैन ट्रावर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे और लिंक्ड लिस्ट। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, डेटा कैन बी वैल्यू, नंबर्स, स्ट्रिंग्स और कुछ भी हो सकता है। सो अगर मुझे अपने डेटा को किसी ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं पर रखना है तो उसके लिए मुझे डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होते हैं, एक टाइप की हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने डेटा को बाद में
देख सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं, उन्हें ऐड कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ट्रावर्स का मतलब क्या होता है, स्टार्ट एलिमेंट से एंड एलिमेंट तक हर एलिमेंट पे एक एक करके जाना। तो लूप्स की मदद से हम एलिमेंट्स को ट्रावर्स कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे हमने दो डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करी है, एरे और लिंक्ड लिस्ट। स्टार्ट करते हैं पाइथन फॉर लूप को। द फॉर लूप इन द पाइथन इज यूज्ड टू आइटरेट द स्टेटमेंट्स और अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। जब हमें कुछ स्टेटमेंट्स को या फिर किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम को बार बार आइटरेट या रिपीट करवाना हो तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का। आइटरेट और आइट्रेशन का मतलब रिपीटिशन ही होता है। फॉर लूप का हम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं टू ट्रावर्स द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। लिस्ट, टपल और डिक्शनरी जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को ट्रावर्स करने के लिए हम फॉर लूप का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। बात करते हैं सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप की। सो फॉर आइटरेटिंग वेरिएबल, यहाँ पे है आइटरेटिंग वेर, ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें बार बार चेंज करनी है। इन सीक्वेंस, किस रेंज तक, मतलब कहाँ तक हमें आइटरेशन परफॉर्म करना है, कॉलन एंड देन स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट्स पे हमें आइटरेशन परफॉर्म करना है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। आई इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर द नंबर अप टू विच यू वॉन्ट टू प्रिंट द नेचुरल नंबर्स। वो नंबर एंटर करो जहाँ तक आप नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हो। सो सपोज एन की वैल्यू एंटर हो गई 10। सो फॉर आई इन रेंज 0 टू 10, जहाँ तक हमें जाना है वो क्या है, 0 से लेकर 10 के बीच में। प्रिंट आई एंड इज इक्वल टू वाइट स्पेस, इसका मतलब क्या है, जब एंड हो जाएगा वहाँ पे वाइट स्पेस आएगा और कुछ नहीं आएगा। सो पहले i की वैल्यू 1 है, तो i की वैल्यू इस रेंज में तो अवेलेबल है ही, 0 से लेकर 10 के बीच में 1 आता है, तो पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। उसके बाद प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू 1 से इंक्रीज भी होती है फॉर लूप में, हर बार वैल्यू 1 से इंक्रीज होती है। उसके बाद i की वैल्यू 1 से बढ़ के हो गई 2। फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि 2 इस रेंज में आता है या नहीं आता, तो 2 इस रेंज में आता है। सो उसके बाद प्रिंट 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हर बार i की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक एक, और चेकिंग परफॉर्म होगी। एंड में जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो वो इस रेंज से बाहर चला जाएगा। उस टाइम पर हमारे स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और सिर्फ वाइट स्पेस के साथ आउटपुट स्क्रीन से हम एग्जिट कर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पाइथन व्हाइल लूप को। द व्हाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज द प्री टेस्टेड लूप। इन जनरल अ व्हाइल लूप अलाउज अ पार्ट ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल लूप को हम प्री टेस्टेड लूप भी कहते हैं। ये जब तक अलाउ करता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट की तरह काम करता है, मतलब बार बार कंडीशन चेक होती रहती है। व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें पहले से ही नंबर ऑफ आइटरेशन के बारे में ना पता हो। नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है। जो एक्सप्रेशन है जिसको हम चेक करने वाले हैं वो एक वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ट्रू का मतलब होता है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, मतलब जीरो के अलावा कोई अदर वैल्यू। अब हम समझते हैं व्हाइल लूप को विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन है जो एक वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन होगा, अगर वो होगा ट्रू तो हम लूप की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसमें लिखी हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर हमारा एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम डायरेक्टली उस लूप से बाहर निकल जाएंगे और बाहर लिखी हुई अदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। बात करते हैं एग्जाम्पल की। द सिंटेक्स इज गिवन बिलो। सिंटेक्स व्हाइल लूप का बहुत सिंपल होता है, व्हाइल के बाद एक्सप्रेशन, कॉलन एंड देन स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। आई इज इक्वल टू वन, व्हाइल आई
लेस देन इज इक्वल टू 10 कॉलन प्रिंट आई, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू 1 सेट हो चुकी है। अब वाइल में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यह है एक कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब i की वैल्यू 10 से छोटी या इक्वल होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक हमारा लूप चलता रहेगा। सो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और साथ में i की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं, i की वैल्यू है 1, सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो i की वैल्यू हो गई प्रिंट 1। इसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो गई, i इज इक्वल टू i प्लस 1 मतलब 2। अब i की वैल्यू हो गई 2, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। तो i की वैल्यू जाएगी प्रिंट, फिर हम दोबारा से i को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से बार बार हम इसी लूप में घूमते रहेंगे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे i की वैल्यू 11 हो जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो कंडीशन है हमारी i इज लेस देन इक्वल टू 10, ये हो जाएगी फॉल्स। मतलब 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज अ फॉल्स कंडीशन। उस टाइम पे हम i की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेंगे और i को इंक्रीमेंट भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इस लूप से आ जाएंगे बाहर। तो इसीलिए आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स ही प्रिंट होंगे। तो इस तरीके से आज हमने समझा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को और पाइथन में यूज होने वाले दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप्स, फॉर लूप एंड वाइल लूप को। तो यहाँ पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें उसके साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ई नोट्स को ले सकते हैं और वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और नोट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स M3R4 मॉड्यूल के लिए पेपर देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए OLevel GS Adda YouTube चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट टॉपिक को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।